इजिप्ट के फैराओं में तूतनखामून का नाम काफी प्रचलित है। उसने 1333 ईसा पूर्व में केवल 9 वर्ष की उम्र से ही इजिप्ट पर शासन करना शुरू कर दिया था। अपने सलाहकारों की मदद से उसने अपने पिता के कड़े शासन में कई सुधार किए। केवल 19 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया था। उसकी मौत के बाद उसके शव को ममी बनाकर सुरक्षित रख दिया गया और ममी के साथ ही ढेरों कलाकृति, गहने और खजाने उसकी कब्र में दफनाए गए। वर्ष 1922 में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर के एक दल ने इजिप्ट के राजाओं की घाटी में तूतनखामून के मकबरे की खुदाई की। 3000 से अधिक वर्षों तक छिपे रहने के बाद राजा तूतनखामून या राजा टूट का मकबरा और विशाल खजाना खोजकर्ताओं के हाथ लगा। मकबरे में इतना सामान था कि इसे लिस्ट करने में ही कार्टर और उनकी टीम को लगभग 10 साल लग गए। 6 मार्च 1923 को राजा टूट की मम्मी को खोला गया था। मकबरे की खोज के बाद तूतनखामून दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इजिप्ट फेराओं में से एक बन गया।